नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल कृषि और अनाज में अग्रणी सिरसा, जहां पर मंडी की हालात खस्ता, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे आपको दिखाई दे जाएंगे। भारी वाहन जैसे कि ट्रैक्टर और ट्राली, जब किसान मंडियों में अपना पूरे साल की मेहनत का फल यहां पर लेकर आता है, तो न केवल उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वहाँ के स्थानीय लोग भी परेशान हैं। इतना ही नहीं, अनाज मंडी में स्थित एक सरकारी विद्यालय का भी बुरा हाल है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पेड़ टूटे पड़े हैं और गंदगी से सटा पड़ा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी है, मगर हालात ऐसे हैं कि गांव के स्कूल भी आपको अच्छे नज़र आएंगे। खैर, बात करते हैं सड़कों की, क्योंकि CM साहब 4 अगस्त को सिरसा पहुँच रहे हैं, उनके लिए तैयारियाँ जोरों पर है। मंडी की सड़कों पर जगह जगह पर गड्ढे हैं, लेकिन उनको भरने के लिए स्थानीय प्रशासन ने लोकल दिनचर्या के हिसाब से टेंडर जारी कर रखा है कि जल्द से जल्द गड्ढे भरे जाएं। लेकिन गड्ढे भरने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है, वहां पर न तो गड्ढों को साफ किया जाता है, उसमें भारी रूप से मिट्टी मौजूद होती है और ये लोग उसी के बीच में कंक्रीट और तार को डाल उसे बिल्कुल साफ सुथरा ऊपर से बना देते हैं, जो कुछ ही समय बाद गाड़ियों के टायरों से चिपक कर निकल जाता है। इसी के चलते स्थानीय लोगों को कई समस्याएं हैं। आइए बात करते हैं स्थानीय लोगों से। नरेश गंडा, गंडा साहब, इस समय जो इसमें जो हालात हैं मंडी के अंदर, जो हालात हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? अरे, गड्ढे मंडी के नहीं, सारे शहर के ही हैं। जितने भी प्रधान आए हैं आज तक, वो बोगस बिल बना बना के और ईओ साथ मिलके खा के और जो है ना गड्ढे 5-10 भर के और अपना दिखा देते हैं कि हमने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का जो है ना गड्ढे भर दिए, क्योंकि हर साल ये करते हैं। कोई भी प्रधान जो मतलब कोई प्रधान रहा हो, उसने किसी MC को कुछ करने के लिए वो टेंडर दे दिया, किसी को कुछ कर दे दिया, भाई तुम 10-15 लाख रुपए खा जाओ और गड्ढे नहीं भरने, बस 2-4 भर दो दिखा दो। तो कोई शिकायत वगैरह दी आज तक किसी ने? शिकायत क्या करे, शिकायत सुनने वाला ही कोई नहीं है। सारे जो है ना बस वो खाने के पैसे में लगे हुए हैं और कुछ ही नहीं है। सुनने वाले कौन है ये? नहीं, सुनने वाले तो देखो नहीं, कोई नहीं सुनता आजकल। ये जो है ना, जितने पुराने जो CM थे ना, उन्होंने जो पेल रखे है ना स्टाफ, वो सारा ही खराब कर रहा है। ओके, तो अब तो BJP की उठाने में वही से बैठे लगा देता था, भाई चलो कमेटी में 50 आदमी आए लगा दो, ये लगा, किसी कोई इंटरव्यू आज तक हुआ है? नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो कह रहे हैं कि अब तो भाई हम, अरे यार कंट्रोल कर, वो एक क्या करे, कंट्रोल करने में बड़ा टाइम लगता है, जो 50 साल का इन्होंने खराब कर रखा है। नहीं तो शिकायत करने वाले भी तो होने चाहिए ना, शिकायतें दी है कि नहीं? अरे शिकायत किसको करे, प्रधान को कहे वो नहीं सुनता, ईओ को नहीं सुनता। नहीं तो कंट्रोल करने के लिए अभी आप कह रहे हो कि सीएम कंट्रोल करें और उसमें समय लगेगा, तो CM को शिकायत भेजिए ना। अब भेजेंगे और रिटर्न में मैं कर रहा हूँ, ये भी वो भी करेंगे हम। अच्छा, मंडी में और क्या क्या समस्या है इस समय जो मंडी की को? मैं नहीं जानता, मैं तो शहर की सारी जानता हूँ, मैं एक मंडी की नहीं कहता। ओके, सारे शहर में यही हाल है। और सारे MC खा रहे हैं पैसे, ऊपर से बरसात का मौसम भी है और गड्ढे। मेरी बात सुनो, इन्होंने जो है ना एक वो ममता रानी कोई है, अच्छा MC, ओके, वहाँ पे जहाँ बन नहीं सकते ये तेरे क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर, वहाँ भी उसने बनवा दिए और जिससे मेरी टांग टूटी है उससे। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हो गया था? हाँ, वहाँ स्लिप हुआ, वो कभी गुलाई पे कभी भी जो है ना वाइड में कहीं नहीं है और स्पीड ब्रेकर वाइड में। कई गलियां तो ऐसी है गंडा साहब जहाँ पर एक गली में बिल्कुल नजदीक नहीं थी, यानी 20-20 फुट की दूरी और पर क्या? वो सिर्फ अपने जो है ना अपने वोटर को खुश करने के लिए बना ले भाई। हाँ, और कुछ नहीं है। चलो शुक्रिया।